इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, और ये जो है हम जो बना रहे हैं इसका एक सीरीज़ भी बनाएंगे, जैसे कि अभी जितने भी हम लोगों ने किए कंप्लीट, तो अभी तक फ्लावर हुआ और ये जो आप देख रहे हो कि एक ट्री का मैंने बताया कि आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जब भी हम सीनरी ही बनाते हैं, जैसे अब ये सीनरी का पार्ट हो गया, तो हम जब माउंटेन बनाते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि कोई हमें एक माउंटेन बनाना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कुछ माउंटेन बनाते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा कोई शेडिंग नहीं रहती है, और इसको हम कुछ इस तरीके से शेडिंग कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे, और इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इसको कुछ चीज़ें करेंगे ऐसे, तो हम इसको थोड़ा सा अनइवन शेप देंगे। जैसे कि आप जब भी कोई माउंटेन बनाए सीनरी में, तो ये पीछे का जो पार्ट होता है, तो ये हम इसको जो शेप है कुछ आप इस तरीके का शेप दे दो, ये चीज़ें जो आप देख रहे हो इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से, इसके जो पीछे का जो है माउंटेन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, इसमें आप दे सकते हैं। और इसके बाद अगर हमारा लाइट डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है यहाँ से, तो इसको हम भी हम जो इसके जो पीछे का बैक साइड है वो भी हम कुछ इसमें ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये देख रहे हो। तो ये इसमें भी हम बहुत सारे वेरिएशन ऐसे दे सकते हैं, और इसका देने का रीज़न यही है कि ये पार्ट जो हो गया आपका शेडो रीजन में आ गया, तो ये जब शेडो रीजन में आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली ये जो है इसको इस एरिया को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, जैसे यहाँ पे भी ये चीज़ें रहेंगी, तो आपको चीज़ें फ़र्क पता चलेंगी और ये थोड़ा और रियलिस्टिक में आएगा, चीज़ें जो होंगी और रियलिस्टिक आएंगी। और ये गलतियाँ जो हैं बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब ये माउंटेन बनाते हैं तो उसमें पीछे की जो चीज़ें अवॉइड कर देते हैं, तो सीनरी में हर एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक ग्रास भी बनाते हो तो ग्रास को भी एक फिनिशिंग टच देते हैं, जैसे यहाँ पे ये माउंटेन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन इसको पूरा देखिएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। तो ये जो चीज़ें हैं, और इसके आगे अगर आपको थोड़े बहुत जो टेक्सचर होते हैं वो हम कुछ हल्के से इसमें देते हैं, क्योंकि ये लाइट साइड है, तो इसमें जो माउंटेन के जो टेक्सचर होते हैं वो चीज़ें जो टेक्सचर है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो इसके जो थोड़े टेक्सचर होते हैं, क्योंकि लाइट इसमें जहाँ पे हिट करेगी तो वहाँ पे एकदम बिल्कुल ही ब्राइट ही रहता है। तो थोड़े से ये पीछे का है तो इसमें हम थोड़ा शेड दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया लाइटिंग और शेडो जो दो चीज़ें हैं, और पर्सपेक्टिव, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये फ्रंट में तो बड़ा ही है, और जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएंगी चीज़ें वो यहाँ पे आपको छोटी होती जाएंगी। और ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि पर्सपेक्टिव हम करते हैं, जो कि एक ये चीज़ें बहुत रियल चीज़ें होती हैं जो आपके जो ड्राइंग है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देती हैं चीज़ें। अब इसमें आप कितना और शेडिंग करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है, और कितना और डिटेल करना चाहते हैं, तो इसका कोई एंड नहीं है जो आप डिटेल करना चाहते हैं चीज़ों को, जितना आप बेहतर बनाना चाहते हैं उतना बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे शेडो रीज़न आ जाएगा, तो ये जो है चीज़ें शेडो में आ जाएंगी, तो इसका जो शेडो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो ये भी शेडो रीज़न में आएगा, ये भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि आप अब दोनों में चीज़ें देखोगे तो ये ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। तो अभी जो भी हम करेंगे, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपका जो डिटेल है आप जितना करोगे उतना बेहतर होगा, अगर आप इस साइड का भी देख रहे हो तो इधर का भी हम डिटेल कुछ ऐसे करते हैं, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उसका अनइवन होते हैं, जैसे यहाँ पे भी हम हल्के हल्के दिखाते हैं।
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी तो मैंने सिंपली इसको ऐसे किया है। आप सिंपली अगर इनिशियल डेज में अगर ऐसा भी अगर शेड करते हैं, ऐसा शेप बनाते हैं तो भी चलेगा, और जैसे जैसे आप प्रोफेशनली आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। तो ये हो गई। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब हम क्लाउड बनाते हैं तो क्लाउड हम कैसे बनाते हैं, इसको बना के फिर इसको हम या तो इसको शेड कर देते हैं ऐसे, या फिर ऐसे छोड़ देते हैं। तो इस केस में अगर आपको क्लाउड बनाना है तो क्लाउड बनाने के लिए एक तो इसका जो शेप होता है कुछ इस तरीके से देंगे, और इसको पहले तो आप कंप्लीटली इसको जैसे हम स्काई करते हैं तो इसको हम पहले ब्लेंड कर देंगे, दो तरीके से होता है, एक जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो कर सकते हैं, और इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं इसको स्काई को, जैसे हम जनरली हम स्काई को ऐसे करते हैं। और ये करने के बाद थोड़ा सा और हम डार्क रखेंगे, और ये जो है मैंने पैच किया है वो पैच नहीं रखना है, वो थ्रू आउट अगर हम सीनरी कुछ बना रहे हैं तो कम्प्लीटली हम, अगर हम ये जो सीनरी है तो कम्प्लीट हम स्काई बनाएंगे। तो अभी मैं एक टेंटेटिव आपको बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जैसे इतना कि हम लोगों ने एक बैकग्राउंड ऐसे बना लिया। इसके बाद अब क्लाउड को कैसे करेंगे, हमारा लाइट डायरेक्शन यहाँ से है तो क्लाउड जो आप देख रहे हो यहाँ से, ये कुछ हम लोगों ने ऐसे बनाए, और ये ऐसा बनाने के बाद फिर जो आप पीछे का जो एरिया है जो आप देख रहे हो इसको हम ब्लेंड करेंगे ऐसे। तो ये जो है ये मिल जानी चाहिए किस में, स्काई में ही मिल जानी चाहिए ये जो आपने देखा, और इसको अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। ये कंप्लीट स्काई में चला गया, फिर यहाँ पे भी, और जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये बनाए, और ये बनाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल हार्ड वाइट है वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं लेकिन ये चीज़ें डिटेल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर दिया। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा, क्लाउड में ये क्लाउड और ये क्लाउड में। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो ये ज़रूर करें, इससे जो आपका क्लाउड है सीनरी है वो और परफेक्ट हो जाता है। और इसमें जो शेडिंग है अगर आप चाहते हैं कि ब्लेंड करने के लिए तो आप ब्लेंड भी ऐसे कर सकते हैं, जितना आपको रियलिस्टिक जाना है आप उसमें रियलिस्टिक जा सकते हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बताएं, और जैसे मैंने बताया कि एक सीरीज़ ही बनाऊंगा मैं, जैसे कि मैं फेस पे भी बताने वाला हूँ आपको कि फेस जब हम बनाते हैं पोर्ट्रेट बनाते हैं तो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, और वो गलतियाँ ना करें तो हमारा जो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा। जैसे मैंने आपको दोनों कंपेरिजन करके बता दिया कि कौन सी चीज़ें आप करते हैं कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से आप बहुत सारे कोर्सेज हैं इस तरीके जो टेक्निक्स हैं मैं बताता हूँ। और एक सीनरी में कंप्लीट करके बताता हूँ कि एक सीनरी जो मैंने बनाया तो उसमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास जैसे कि जनरली क्या होता है कि लोग मोनो इरेज़र हैं तो मोनो इरेज़र जो है वो थोड़ा ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मोनो इरेज़र है। मोनो इरेज़र अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी वो सेम आउटपुट आप कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को, जैसे आप ये चीज़ें हैं ये अगर मैंने क्लाउड बनाया तो आप ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप उसको यूज़ करेंगे तो वैसा इफेक्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल है मैं वहाँ पे बताता हूँ। तो अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगस्त में कुछ डेज ही बचे हैं, तो आप अगर एनरोल कराते हैं तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा। जो भी वीडियोज़ मैंने यहाँ पे डाले हैं जो कि बहुत ही यूनिक हैं, तो आप इसको लाइफ टाइम एक्सेस कर पाएंगे, उसके बाद ये चीज़ें नहीं रहेंगी। तो जितना जल्दी हो सके आप एनरोल करा सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।